और ये जो आप जितने भी यात्री देख रहे हो सड़क पे, ये एक भी नहीं जा पाएंगे आज यात्रा, इनकी किसी की यात्रा नहीं होनी आज। यहाँ पे सिर्फ इतने ही लोग हैं ये जो देख रहे हो, ज़्यादा लोग नहीं है तो आज रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो फेक न्यूज़ से बचने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर सपोर्ट कर रहे हो तो, और आपको जो भी यहाँ की अपडेट रहेगी ना वो मैं दे दूँगा। स्वागत है गाइस आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज डेट है 17 जुलाई और अभी हूँ मैं पहलगाम में। पहलगाम में बता देता हूँ, जो अफवाह फैल गई थी, मतलब कल आप सबने न्यूज़ मिली होगी अफवाह क्या कि यात्रा रोक दी गई है 16 जुलाई को और कुछ दिनों के लिए रोकी गई है। तो चलो पता करते हैं आज पहलगाम में क्या चल रहा है, यात्रा चालू है भी या नहीं। फिलहाल मैं तो देख रहा हूँ मेरे पीछे ये गाड़ियाँ निकल रही हैं धड़ाधड़, देखो आप देखो ये देखो, है ना। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो गलत है, फेक न्यूज़ है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये फेक न्यूज़ वो फैला रहे हैं जो घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, और तुम्हारा भाई यहाँ लाइव देख रहा है सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं, और वही बताएगा आपको जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये देखो गाड़ियाँ जा रही हैं ना, है ना। तो ये जा रही हैं चंदनवाड़ी के लिए, यात्रा चालू है, यात्रा बंद नहीं हुई। और दिखाता हूँ अभी रस कितना है, रस देखो पहले आप। तो गाइस आज डेट है 17 जुलाई और यात्रा चालू है। जो अफवाह फैल गई थी कि यात्रा रोक दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यात्रा अभी भी चालू। आप जो गाड़ियाँ देख रहे हो ये जा रही हैं चंदनवाड़ी की ओर, और यात्री देखो फिर से सड़क पर खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं ये देखो। तो भाई यात्रा चालू है, ये मत सोचो कि यात्रा बंद है। फिलहाल मैं जाता हूँ बेस कैंप की ओर, वहाँ दिखाता हूँ। अभी तो मैं पहलगाम विलेज में हूँ, काफ़ी दूर हूँ, लेकिन यहाँ पे यात्रियों का जमावड़ा देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है, है ना। ये देखो काफ़ी सारे यात्री हैं यहाँ पे, और यहाँ देख लो ये देखो यात्री, कितने सारे यात्री जा रहे हैं। ये लोग पैदल ही चल दिए क्योंकि इन्हें टैक्सी नहीं मिल पा रही, तो बेचारे पैदल ही जा रहे हैं चंदनवाड़ी की ओर। ठीक है, यात्रा खुली है लेकिन टैक्सी नहीं मिल पा रही, इसलिए ये लोग जा रहे हैं चंदनवाड़ी की ओर पैदल चल के। जो अफवाह फैल गई थी कि यात्रा रोक दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश हो रही थी कल से लगातार, मतलब दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और आज बारिश बंद है अभी, और यात्रा अभी भी चालू है। और एक और बात, जो बात अफवाह फैल रही थी कि यात्रा रोक दी जा रही है, लेकिन भाई बता दो एक लिमिट से ज़्यादा यात्री आ जाएगा ऊपर जाने के लिए, तो उसको तो रोका जाएगा ना, तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी भाई कि यात्रा रोक दी गई है वो। और ये वीडियो वो लोग बना रहे हैं घर बैठ के, जो वॉइस ओवर करके वो लोग ऐसी खबर फैला रहे हैं कि यात्रा रोक दी गई है वो, लिमिट से ज़्यादा यात्री हो जाएगा तो उसे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा ही था, कल लिमिट ज़्यादा हो गई थी तो उनको, जितने लिमिट से ऊपर थे उनको नीचे रोक दिया गया, ऊपर नहीं गए वो, उनको आज भेजा गया है। तो क्या ऐसा था, यात्रा कहीं नहीं रोकी गई, और कल पहली बार मैंने ऐसा देखा कि बारिश हो रही है और यात्रा चालू है, क्योंकि ऊपर में बारिश नहीं हो रही थी इसलिए पहलगाम से लोगों को भेजा गया। तो फेक न्यूज़ से बचने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर सपोर्ट कर रहे हो तो, और आपको जो भी यहाँ की अपडेट रहेगी ना वो मैं दे दूँगा, और जो भी आपका सवाल रहेगा क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जल्दी से नहीं दे पाता हूँ लेकिन भाई कोशिश मैं पूरी करूँगा रिप्लाई देने की, अगर आप ऐसा कुछ पूछ रहे हो। और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि आपको अपडेट चाहिए यहाँ का, अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो। और फिलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ पहलगाम क्लब, यहाँ पे मेडिकल और रजिस्ट्रेशन होते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ इतने ही लोग हैं ये जो देख रहे हो, ज़्यादा लोग नहीं है तो आज रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। अभी टाइम नहीं हुआ, 8:30 बजे आते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल। और ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो जाती हैं, बता दिया था मैंने आपको, ये जाती हैं चंदनवाड़ी की ओर। तो चल रहे हैं फिलहाल क्लब में देखते हैं चल के कितनी क्या वहाँ पे रस है, क्या है वहाँ पे। और ये जो आप जितने भी यात्री देख रहे हो सड़क पे, ये एक भी नहीं जा पाएंगे आज यात्रा, इनकी किसी की यात्रा नहीं होनी आज, ये मैं बता देता हूँ, लिख के देता हूँ इन सबको। तो भाई ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, ये है पहलगाम चौक की भीड़, मतलब पहलगाम चौक पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग यात्री जो है ना गाड़ियाँ रोक रहे हैं पर गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं, देख सकते हो आप कितने ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इन सबको जाना पड़ेगा बेस कैंप से ही इनको गाड़ी मिलेगी। फिलहाल देख रहे हो कैसे पुलिस वाले बोलते हैं चल चल चल, कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे, देखो है ना भाई, देखो कैसे मारामारी हो रही है, यात्रा खोली गई है लेकिन मारामारी हो गई है टैक्सियों में बैठने के लिए, देख सकते हो आप, देख रहे हो ना कैसे हो रही है। देख रहे हो आप ये सारे यात्री खड़े हुए हैं टैक्सी के लिए, अभी जैसी टैक्सी आएगी एक सेकेंड में फुल हो जाती है टैक्सी, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे फुल होती है टैक्सी। तो ये देख लो यार कैसे भागदड़ हो जाती है, और पुलिस वाले भाई और आर्मी वाले भाई चाहते हैं कि कोई चोट ना लगे किसी को, लोग भागने लगते हैं, गाड़ियाँ आ रही ना स्पीड में यार। तो ये देखो सारे यात्री एकदम बैठने लगे गाड़ी में, है ना, तो वो बोल रहे यहाँ से कोई नहीं बैठेगा, सब उस साइड से बैठेंगे जाके, राइट साइड से। देख लो यार ये देखो कैसे रोक रहे हैं, चलो इधर चलो भाई, पूरा मतलब
भाई आदमी ना हो ना तो यहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है यार, सच बता रहा हूँ मैं, यहाँ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। ऐसे क्या बोलूँ यार, अभी इतने ज़्यादा यात्री आ चुके हैं तो भाई परेशानी तो सभी को हो रही है ना यार। तो यहीं देखो आदमी वाले भाइयों ने क्या किया है, रास्ते से ही गाड़ियाँ रोक के इन्हें रास्ते में ही बैठा दिया है और फिर से वापस गई हैं वो गाड़ियाँ। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने हेल्प कर दी लोगों की, नहीं तो भाई अब यहाँ से गाड़ियाँ मिल रही हैं, आप देख रहे हो ना, जो आ रहा है गाड़ी यहीं घुमा देते हैं, बैठा देते हैं। भीड़ देख लो यार, गजब की भी, ये लो यात्री देख रहे हो ना आप। तो गाइस जिन लोगों को लगता था कि अमरनाथ बाबा की यात्रा रोक दी है, ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा चालू है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने ज़्यादा यात्री खड़े हुए हैं, ये खड़े हैं टैक्सी लेने के लिए। और मौसम की बात करूँ तो बारिश बंद है अभी तक, छाता लेके आया था मैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी सुबह सुबह, कल ज़रूरत थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी कल। देखो फौजी भाई कैसे मदद कर रहे हैं, उस बार गाड़ी को बोल रहे हैं, उसमें बैठा दिया, चल जा जा जा, इसको निकाल दिया। एक दो बंदे कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठा ही देते हैं ये लोग, क्योंकि ज़रूरत होती है। यहाँ से काफ़ी सारे यात्री जो बाहर खड़े हुए हैं उनको भी भेजना है। तो आप सामने जो देख रहे हो ना, ये अभी यहाँ इतने लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, अगर आप और आगे चल के जाओगे ना उधर।